हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। अगर आपके फोन में फाइल मैनेजर ओपन नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है या फिर दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें चले जाना है अपने मोर सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मैनेजर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एप्लीकेशन मैनेजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमें अपने फाइल मैनेजर की एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर ये रही फाइल मैनेजर की एप्लीकेशन, इसको यहाँ से कर लेते हैं ओपन। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है, फोर स्टॉप कर देना है। और अगर आप करना चाहे न्यू अपडेट अगर हो गया है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज में हमें क्लिक करना है, यहाँ से क्लियर कैचे कर लेना है। यहाँ से हमें क्लियर डाटा, तो यहाँ से कुछ डेटा डिलीट नहीं होगा। बेफिक्र होके यहाँ पे क्लियर डेटा कीजिए, आपकी कोई भी फाइल डिलीट नहीं होने वाली है। तो क्लियर कर लेते हैं यहाँ से और उसके बाद आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर परमिशंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सारी परमिशंस ऑन होगी तो ऑफ करके वापस से यहाँ से हमें ऑन कर देनी है। अब आपको आ जाना है बैक, पूरी तरीके से बैक आ जाइए। अब आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके अपने फ़ोन को यहाँ से कर लेना है एक बार रीबूट। और उसके बाद जब आपका फ़ोन वापस से ऑन होगा तो उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करके देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपकी फ़ाइल मैनेजर ओपन होने लगेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।